नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं BNN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा जैसी गंभीर चूक पर पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी द्वारा प्रियंका गांधी वाड्रा को ब्रीफ कर देने वाले बयान को गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बेहद चिंताजनक बताया है। उन्होंने कहा कि इससे सिद्ध हो गया है कि गांधी परिवार में रिमोट से सत्ता चलाने की परंपरा अभी बनी हुई है। गृह मंत्री ने कहा कि प्रियंका कौन से संवैधानिक पद पर है जो उन्हें पंजाब के सीएम चन्नी ब्रीफ कर रहे हैं, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा जैसे गंभीर विषय पर। पहले मनमोहन सिंह की केंद्र सरकार को सोनिया गांधी रिमोट से चलाती थी, अब कांग्रेस शासित राज्यों की सरकारों को राहुल प्रियंका रिमोट से चला रहे हैं। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी के फिरोजपुर दौरे में हुई बड़ी सुरक्षा चूक पर पंजाब की काफी किरकिरी हो रही है। पीएम की सुरक्षा में चूक का मामला अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। पंजाब सरकार खुद का बचाव करने से पीछे नहीं हट रही है। खुद राज्य के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि पीएम मोदी की सुरक्षा में कोई लापरवाही हुई है। अब पंजाब सरकार ने खुद का बचाव करने के लिए पीएम मोदी के हेलीकॉप्टर का सहारा लिया है। पंजाब सरकार के सूत्रों ने बताया कि पीएम का हेलीकॉप्टर हर मौसम में उड़ान भरने वाला विमान है, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं करने का फैसला लिया गया। सूत्रों ने आगे कहा, पीएम का चॉपर ऑल वेदर हेलीकॉप्टर है, उसके बाद भी उसका इस्तेमाल नहीं किया, जबकि यहाँ पहाड़ी इलाका भी नहीं है। दरअसल प्रधानमंत्री को जनसभा में ही शामिल होने के लिए बठिंडा से फिरोजपुर के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए जाना था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से सड़क के रास्ते निकलना पड़ा था। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए BNN न्यूज़।